तमाम स्टूडेंट्स को एमकेएफए में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रुप थ्योरी के एक थ्योरम लग्रांज थ्योरम को डिस्कस किया था। आज उससे अगले टॉपिक परम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम परम्यूटेशन की तरफ आते हैं। बाइजेक्टिव मैपिंग, अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है? एससी मैपिंग जो 1-1 भी हो, 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन, आप इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, और ऑन टू भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी बाइजेक्टिव मैपिंग एससी मैपिंग होती है जो कि 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब 1-1 मैपिंग कैसी होती है और ऑन टू मैपिंग कैसी होती है, और जब दोनों को मिला के बाइजेक्टिव मैपिंग कैसे बनेगी, उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक सेट ले रहा हूँ ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जी ए बी एंड सी, और यहाँ पर एक सेट ले रहा हूँ बी, इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 1, 2, 3 एंड 4। अब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ये हमारे पास हैं डोमेन के, यानी इन तमाम एलिमेंट्स का जो सेट है वो क्या क्या है जी, डोमेन है। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इन तमाम एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है जी, कोडोमेन। अब कोडोमेन के अंदर से ही रेंज निकाली जाती है। हमने फंक्शन वाली वीडियो के अंदर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज और इमेजेस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसके बारे में मज़ीद मालूम हासिल करने के लिए फंक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमने क्या करनी है, इस इनकी मैपिंग बनानी है, इसके साथ रिलेशन बनाना है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों सेट्स के दरमियान, सेट ए और बी के दरमियान, और उस रिलेशन को या उस फंक्शन को मैंने एफ का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ए का मैं को रिलेट करता हूँ टू के साथ, मीन्स के ए का इमेज क्या है, हमारे पास टू है। अब इमेज क्या चीज़ है थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, हालांकि पिछली वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं इसको कोई इनपुट दे रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू टू, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब जो इनपुट है ये डोमेन का एक एलिमेंट है, ठीक है, जो मैं इसको दे रहा हूँ, और एफ ऑफ टू हमारे पास क्या आ गया, फोर आ गया। अब इनपुट देने से हमें जो आंसर मिला है, फोर जो हमारे पास आ रहा है, ये टू का इमेज कहलाता है, यानी कि टू इनपुट दिया हमने, टू इनपुट देने के बाद आंसर क्या आया हमारे पास, फोर। अब फोर क्या है जी, टू का इमेज है, और टू फोर का क्या है, प्री इमेज है। फोर टू का इमेज है और टू फोर का क्या है, प्री इमेज है। इसी तरह ए का इमेज क्या है, टू है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टू, यानी कि टू ए का इमेज है और ए टू का प्री इमेज है। और बी को की मैपिंग कर देते हैं हम वन के साथ, वन के साथ इसको रिलेट कर देते हैं, और सी को थ्री के साथ। अब यहाँ पे नोट करें हर एलिमेंट का इमेज जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। हालांकि हो सकता है कि सी का इमेज टू भी हो और ए का इमेज भी टू हो, ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा कि सी का इमेज थ्री भी हो और टू भी हो, एक एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। अब बी का इमेज टू है तो सी का इमेज भी टू हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, इसमें बी और सी का इमेज सेम नहीं हो सकता। ये तुमने बात कर दी 1-1 की। और एक और बात, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली रह जाए कोडोमेन के सेट के अंदर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डोमेन के सेट के अंदर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और एक एलिमेंट दो का के साथ रिलेट भी नहीं कर सकता, ओके। अब ये बात की है 1-1 फंक्शन की, इसी तरह हम डिस्कस करते हैं जी ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा जी, एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट हैं जी ए बी सी डी, और एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट हैं जी 1, 2, 3। अब ए का इमेज है जी 2, बी का इमेज है 3, सी का इमेज है 3, डी का इमेज है 2। अब यहाँ पे देखें 1-1 के अंदर हमने क्या कहा था, हर एलिमेंट का इमेज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से,
ऑन टू में क्या है, अगर एक दो एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, लेकिन इस साइड पर कोई भी कोड मेन के अंदर एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, यानी यहाँ पे खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, जिस तरह के हमने यहाँ पे फोर छोड़ दिया था कि इसका प्री इमेज यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो SC मैपिंग को क्या कहते हैं जी, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैपिंग। अब ऐसा SC मैपिंग जो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो उसे बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। अब SC मैपिंग किस तरह की होगी उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सेट ले रहा हूँ जी A, उसके अंदर एलिमेंट है A, B, C, और एक ले रहा हूँ B, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, इनको आपस में हमने रिलेट करना है। तो A की मैपिंग, A का इमेज है 1, B का इमेज है 2 और C का इमेज है 3। अब यहाँ पे नोट करें हर एलिमेंट का इमेज भी एक है, ठीक है, ये 1-1 हो गया, 1-1 की कंडीशन पूरी होगी। और B के अंदर कोड मेन वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जिसका प्री इमेज मौजूद ना हो, यानी हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद है यहाँ पे, यानी यहाँ पर कोई खाली नहीं पड़ा जिस तरह के यहाँ पर खाली पड़ा था। तो ये 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर कोई खाली नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली मैपिंग हमारे पास क्या हो गई, बाइजेक्टिव मैपिंग, क्योंकि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव मैपिंग। अब इसी तरह बाइजेक्टिव मैपिंग को यूज़ करते हुए हम परम्यूटेशन को डिस्कस करते हैं। परम्यूटेशन अब परम्यूटेशन में क्या है, इसके लिए हमें कोई एक सेट चाहिए होगा, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सेट। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी मैपिंग को जब डिफाइन करना हो ना तो एम्प्टी सेट नहीं लेना आप लोगों ने, एम्प्टी सेट पे मैपिंग डिफाइन नहीं होगी, इसलिए मैपिंग को डिफाइन करने के लिए हमें नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा। तो परम्यूटेशन में भी हमने मैपिंग को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हमने जो सेट लिया वो कौन सा है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन अब बाइजेक्टिव मैपिंग, मैपिंग अब वो बाइजेक्टिव मैपिंग किस तरह की होनी चाहिए, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, यानी कि वो मैपिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि एक्स से एक्स पर हो, यानी कि डोमेन के एलिमेंट भी एक्स में से ही हों और कोडोमेन के एलिमेंट भी किस में से हों, एक्स में से ही हों, या डोमेन भी हम एक्स के अंदर से ही दें और उससे जो हमें रेंज मिले वो भी कहाँ से मिले, एक्स के अंदर से ही मिले। तो इस तरह की मैपिंग हमने लेनी है परम्यूटेशन के लिए। देन अब बाइजेक्टिव मैपिंग एफ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑन एक्स। तो इस तरह की जो मैपिंग है वो हमारे पास क्या कहलाती है, परम्यूटेशन कहलाती है। हमने क्या कहा है कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, अगर उस पर बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन हो, किस तरह से, एक्स से एक्स पर, जिस तरह से हमने बाइजेक्टिव मैपिंग ए से बी पर डिफाइन की थी, अगर एक्स से एक्स पर बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन हो तो वो क्या कहलाएगी, परम्यूटेशन कहलाएगी एक्स पर ही, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर जित एक्स के अंदर एन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इफ एक्स हैज एन एलिमेंट्स देन इट विल हैव एन परम्यूटेशन, एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन, यानी अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट मौजूद है तो उसकी कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं, तो जितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे उसने का उतना उसका फैक्टोरियल ले लें, तो जितना उसका फैक्टोरियल आएगा उतनी परम्यूटेशन उसके अंदर बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो उस सेट की हम 6 परम्यूटेशंस बना सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर एक मैं जनरल एक सेट कंसिडर करूँगा, x1 x2 x3 x4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ये मैंने एक सिंपल सेट लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर परम्यूटेशन डिफाइन करनी है, और परम्यूटेशन क्या होगी, वो एक फंक्शन है
यानी कि एफ मैपिंग है ना वो, इज इक्वल टू, अब डोमेन के एलिमेंट जो होंगे, जो ए सेट के एलिमेंट थे वो आ जाएंगे फर्स्ट रो के अंदर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, और जो उनकी रेंज होगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगे सेकंड रो के अंदर, या जो उनके इमेजेस होंगे, एक्स वन का इमेज क्या होगा जी एफ ऑफ एक्स वन, और एक्स टू का इमेज क्या होगा जी एफ ऑफ एक्स टू, एक्स थ्री का इमेज क्या होगा एफ ऑफ एक्स थ्री, और एक्स फोर का इमेज क्या होगा एफ ऑफ एक्स फोर। तो ये एक परम्यूटेशन बन गई है। अब इसके अंदर फोर एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर इसकी कितनी परम्यूटेशंस बना सकते हैं, यानी फोर का फैक्टोरियल ले लें, फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट वन, ये कितना बन गया 24, यानी 24 परम्यूटेशंस हम इसकी बना सकते हैं। अब वो परम्यूटेशंस हमने कैसे बनानी है वो एक एग्जांपल की मदद से हम उसको डिस्कस करते हैं। अब सपोज कर लें कि हमने एक सेट लिया है एक्स, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी वन टू थ्री, थ्री एलिमेंट्स हैं, और थ्री का फैक्टोरियल कितना होता है सिक्स होता है, इट मीन्स इसकी सिक्स परम्यूटेशंस बननी चाहिए। अब देखते हैं वो सिक्स परम्यूटेशंस कैसे बनती हैं। पहली परम्यूटेशन को मैं नाम दे देता हूँ जी एफ वन का। अब कैसे बनाएंगे, वन टू थ्री, फर्स्ट जो रो है वो तो वही आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हो सकता है एफ ऑफ वन ये टू के इक्वल हो, या हो सकता है एफ ऑफ वन जो है वो वन के ही इक्वल हो, मीन्स के हम जो इनपुट दें वही हमें आउटपुट में मिले, ये कांस्टेंट फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन में ऐसा होता है। यानी वन इनपुट दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ वन, ये एफ ऑफ टू, ये एफ ऑफ थ्री। जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी कि ऊपर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स मौजूद हैं और नीचे हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है, ठीक है, इसी तरह ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स मौजूद हैं और नीचे हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है हमारे पास। अब एफ ऑफ वन वो वन के इक्वल है, एफ ऑफ टू टू के इक्वल है, एफ ऑफ थ्री थ्री के इक्वल है, ये आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि एफ ओ वन वन ही आएगा, आप एफ ओ वन टू लिख सकते हैं, एफ ओ वन थ्री लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें हर तरह की परम्यूटेशन बनानी है जितनी हम इससे बना सकते हैं। तो एफ वन क्या आ जाएगा जी वन टू थ्री, एफ ओ वन कितना है जी वन, एफ ऑफ टू कितना है टू, एफ ऑफ थ्री कितना है थ्री। ये पहली परम्यूटेशन बन गई, जिसे हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो डोमेन है वही हमारे पास उसकी क्या है रेंज है, या ऐसे कह रहे हैं हर डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज है वो उसके प्री इमेज के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर भी वन है यहाँ पर भी वन है, टू टू थ्री एंड थ्री। इसी तरह जब एफ टू कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरह से, तो वन टू थ्री तो ऊपर एज इट इज आएगा, नीचे वाली चेंज होती रहेंगी। वन अब इनको मैं चेंज कर देता हूँ थ्री और टू को, ओके, दो परम्यूटेशंस बन गई। यानी अब यहाँ पर क्या किया है, टू का इमेज बन गया है थ्री, थ्री का इमेज बन गया है टू, दो परम्यूटेशंस बन गई। तीसरी परम्यूटेशन की तरफ आते हैं, वन टू थ्री एज इट इज, अब क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएगा टू वन थ्री, ये इसकी तीसरी परम्यूटेशन बन गई है। अब वन का इमेज क्या है टू है, टू का इमेज वन है, और थ्री का इमेज क्या है थ्री है। उसके बाद है जी एफ फोर, दैट इज वन टू थ्री, अब क्या है वन का इमेज टू है, टू का इमेज थ्री है, थ्री का इमेज क्या है टू है, ओके। अब पांचवी की तरफ आते हैं, पांचवी परम्यूटेशन वन टू थ्री, उसके बाद क्या है वन का इमेज है जी थ्री, टू का इमेज है वन, थ्री का इमेज है टू। अब एफ सिक्स की तरफ आते हैं, वन टू थ्री, उसके बाद थ्री, इनको अब इनको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा टू एंड वन। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे टू की जगह पर वन कर लें। तो ये इसकी सिक्स परम्यूटेशंस बन गए हैं, इससे मज़ीद और हम परम्यूटेशंस नहीं बना सकते। थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है, तो सिक्स इसकी परम्यूटेशंस बन गए हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होंगे एक सेट के अंदर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फैक्टोरियल लें, जितना उसका फैक्टोरियल आ जाएगा उतनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं। अब अक्सर मसला बन जाता है कि अब ये छः परम्यूटेशंस कैसे बनाएं, या चार आ जाएं एलिमेंट तो उनकी 24 परम्यूटेशंस कैसे बनाएं, कि ये पता नहीं चलता कि इनको इंटरचेंज कैसे करना है। तो उसका तरीकेकार ये है कि आप पहले नीचे रखें वन, और इन दोनों को चेंज करते रहें, यानी पहले टू थ्री था, बाद में थ्री टू कर दें, फिर क्या करें दो परम्यूटेशंस बन गई। जब आप तीसरी की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कर दें टू, और इन वन और थ्री लिख दें, फिर टू करें, फिर थ्री और वन को क्या करें इंटरचेंज कर दें, फिर टू की जगह पर थ्री आ जाएगा, और वन और टू यहाँ लिख दें, फिर थ्री और टू और वन को क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, और इस तरह से आपकी छः परम्यूटेशंस बन जाएंगी।
और जब 4 आ जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे कि पहले 6 परमोटेशन में शुरू में 1 आएगा, बाकी को इंटरचेंज करते रहेंगे, और फिर बाद में 6 में 2 आएगा, फिर 6 में 3 आएगा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह हम ग्रुप की बाकी भी वीडियोज़ ऐसा ऐसा अपलोड करते रहेंगे। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है या कोई नई वीडियो आप लेना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पर अपनी मर्ज़ी के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।